कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे। ओके, तो चलिए हम कर माय टास्क बुक में पेज नंबर 38 आज करेंगे हम। ओके, पुट द करेक्ट साइन लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन इन द बॉक्स। इससे पहले हमने ऑब्जेक्ट वाला किया था, ग्रेटर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का हमने वाला किया था। ठीक है, अब हमको यहाँ पर करना है कि बॉक्स में भरना है। ठीक, अब यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, नंबर को हमें कंपेयर करना है और कंपेयर के थ्रू यहाँ पर हमें इसमें लिखने मतलब साइन यूज करना है। ठीक, तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर दिया है 5। अब हम कैसे बताएं कि यहाँ पर कौन सा साइन आ सकता है, तो यहाँ पर संख्या कौन सी बड़ी है, 5, तो यहाँ पर आएगा हमारा लेस देन का साइन आएगा। लेकिन संख्या क्या है, बड़ी है, इसलिए उसका माउथ यहाँ पर ओपन है, लेकिन ये साइन क्या है, लेस देन का है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर कौन सा डिजिट बड़ा है, 4 या 7? 7 बड़ा है, तो यहाँ पर 7 की ओर इसका माउथ ओपन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 7 और 4 के बीच क्या हुआ, यहाँ पर ग्रेटर देन यूज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 7 बड़ा है। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब कि जहाँ पर संख्या जहाँ पर बड़ी होती है, दो नंबर दो डिजिट के बीच में जो संख्या बड़ी होती है, उस तरफ ये जो क्रोकोडाइल होता है जिसे बोल रहे हैं, जिसका माउथ कहा गया है, ये अपने बर्ड्स का ले लो, पक्षियों का ले लो, वो अपने चोंच से खाना खाती है ना, तो जहाँ पर ज़्यादा खाना रहता है तो उसका मुँह वहाँ उस तरफ ओपन होता है ना, ज़्यादा की ओर होता है, जो काम रहता है वहाँ पर नहीं यूज करते, तो वैसे ही है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर है 9 और यहाँ पर 5। अब इसमें कंपेयर कीजिए कि इसमें कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ये भी क्या आएगा, हमारा ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर 14 और 20। अब ये टू डिजिट नंबर वाले आ गए हैं अपने पास, है ना, तो यहाँ पर अपना 14 है और यहाँ पर अपना 20 है, तो अब इसमें हमारा क्या डिजिट, कौन सा डिजिट बड़ा है, हमारा 20 बड़ा है, तो यहाँ पर हम 20 की तरफ इसका माउंट ओपन करेंगे, लेकिन ये साइन किसका है, ये साइन जो है वो लेस देन का है। ओके, नेक्स्ट है 12 है, यहाँ पर 15 है। अब इसमें कंपेयर कीजिए कि इसमें कौन सी डिजिट बड़ी है, अपनी 15 बड़ी है, तो 15 की तरह इसका माउथ ओपन होगा, लेकिन ये साइन जो है वो लेस देन का है। ओके, इसी तरह से यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, अपना ग्रेटर देन का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 13 से बड़ा 18 होता है। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 19 एंड 19 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में कैसा डिजिट है, इक्वल है, यहाँ भी 19 है और यहाँ भी 19 दिया हुआ है, तो अब कैसे साइन आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पर समझ में आया इस वाली पेज में कि हमें करना क्या था, कि हमें यहाँ पर दो डबल नंबर दिए हुए थे, इन डबल नंबरों में हमें कंपेयर करना था कि कौन से डिजिट बड़ा है, उस तरफ हमें बॉक्स में साइन यूज कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और पेज हम यूज करके देखेंगे, पेज नंबर 37। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, पुट द करेक्ट साइन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू इन द बॉक्सेस, है ना। तो यहाँ पर भी नंबर दिए हैं 4, 6, 19, 15, 8, 10, 15, 15, 17, 20, 13, 8, 20 और 19। ओके, इस तरह से यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जिस तरह से हमने नेक्स्ट पेज में किया वैसे यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पर 4 और 6 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 6 बड़ी है, तो यहाँ पर 6 की तरह इसका माउंट कौन होगा, लेकिन ये साइन क्या है, लेस देन का है। इस तरह से 19 और 15 में क्या बड़ा होता है, 19 बड़ा होता है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा। 8 और 10 में कौन सा बड़ा होता है, 10 बड़ा होता है, तो 10 की तरह इसका माउंट ओपन हुआ, लेकिन जो साइन किसका है, ये लेस देन का। इस तरह से 15 और 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, है ना। इस तरह से 17 और 20 है, तो यहाँ पर 20 बड़ा होता है, तो यहाँ पर 20 की तरफ माउंट होगा, लेकिन ये साइन जो है लेस देन का है।
इसी तरह से 7, 13 और 8 है, तो कौन सी बड़ी संख्या है? 13 बड़ी है, तो यहाँ पर 13 की तरह माउथ ओपन हुआ। और ये ग्रेटर देन है, 20 और 19 दिया हुआ है, तो अब इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? अपनी 20 बड़ी है, तो यहाँ पर हमने 20 की तरफ इसे माउथ ओपन कर दिया है ना, इस क्रोकोडाइल का। तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन का साइन आ गया है ना। तो बच्चों हमने यहाँ पर तो पेज आपने हमने किया 36 एंड 37। ओके, तो ये पेज आप अपने कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।